तो अभी आपको अपनी खुद की स्टाइल फाइंड करनी है, और मैं बहुत बार मैं बोलता हूँ सबको कि मुझे आप में आप दिखने चाहिए, आपकी स्टाइल दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है, चलो ये ट्रेंड चल रहा है, ये गाना चल रहा है, ये मूव चल रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, ओके। तो उसकी वैलिडिटी कहाँ तक है? बहुत लिमिटेड है। ट्रेंड आया गया, ट्रेंड आया गया, सॉन्ग आया गया, तो हमने तो वो कर लिया। वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक ही इंसान है जिसने वो क्रिएट किया, जिसने वो कोरियोग्राफी, तो उसके स्टेप्स हमें पसंद आ रहे हैं। हाँ, करो, कॉपी करो, इट्स ओके, कॉपी करो, अच्छी बात है, तो कॉपी करो, तुम उसको क्रेडिट दे, चलो ये। पर ऐसा ही नहीं पूरा डांस हम कॉपी करते रहे, हर बार ट्रेंड आया कर लिया, हर बार ट्रेंड आया कर लिया, हर बार ट्रेंड आया, तो उसमें हमने क्या किया? हमने तो वो कोरियोग्राफर को रिप्रेजेंट किया जिसने ये स्टेप फाउंड किया, हम कहां गए? मैं जनरली बहुत कम करता हूं, मतलब ट्रेंड बहुत कम करता हूं। ऐसा नहीं, ट्रेंड करो, ट्रेंड वाले गाने करो, मूव्स भी करो। हम धर्मेश्वर के मूव्स यूज करते हैं, माइकल जैक्सन के मूव्स यूज करते हैं, दूसरे बड़े बड़े डांसर्स के करते हैं, और मैं आपको बताता भी हूँ ये इनकम हो रहा है, ये इनकम हो रहा है, ये इनकम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पूरे डांस में सबके मूव्स ही यूज करते हैं। सो आपको अपनी स्टाइल फाइंड करनी है,